हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऑप्शंस क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा था ये, बाल गंगाधर तिलक। और इनको किस नाम से जानते हैं, लोकमान्य तिलक के नाम से, लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी द्वारा की गई प्रथम भूख हड़ताल थी, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल या रॉलेट अधिनियम सत्याग्रह। तो उन्होंने कब पहली भूख हड़ताल कब की थी गांधी जी ने, तो ये किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के समय। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं और उनका प्रतीक क्या है। तो जन्म का प्रतीक क्या है, ज्ञान, प्रथम उपदेश, मृत्यु। तो अगर हम जन्म की बात करते हैं तो उनके जन्म के प्रतीक को क्या माना गया है, सांड यानी कि थर्ड। ज्ञान को क्या माना गया है, ज्ञान को माना गया है बोधि वृक्ष। ज्ञान कहाँ मिला था उनको, बोधि वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन यानी चक्र। और मृत्यु उनके लिए क्या बनाया गया है, स्तूप। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का, सॉरी ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है। एक मिनट इधर लिख लेता हूँ, ए का थर्ड है, बी ज्ञान का बोधि वृक्ष यानी सेकेंड है, प्रथम ए का थर्ड, इसका बी का फर्स्ट है, अब ठीक है, और सी का सेकेंड है, प्रथम उपदेश यानी थर्ड फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड फर्स्ट सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाए इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी कैबिनेट के अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को क्या कहते थे। ऑप्शंस क्या है, पेशवा, सुरनवीस, सुमंत या अमात्य। तो पिछले सेट, एक सेट में मैंने बताया था कि इम्पॉर्टेंट जो उनके उनकी 8 लोगों के अष्ट दिग्गज होते थे उनको अष्ट प्रधान बोला जाता था, उसमें वित्त मंत्री को क्या नाम दिया जाता था, तो वित्त मंत्री को क्या कहते थे, अमात्य। सुमंत कौन था, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। और पेशवा कौन होता था, प्रधानमंत्री, सबसे प्रमुख जो होता था प्रधानमंत्री। और सुरनवीस किसको कहते थे, सचिव को, सचिव। पेशवा प्रधानमंत्री, सुरनवीस सचिव, सुमंत विदेश मंत्री होता था, और अमात क्या किसे कहते थे, वित्त मंत्री को। और एक होता था पंडित राव जो कि क्या होता था, पुरोहित होता था, और न्यायाधीश मुख्य न्यायकर्ता। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास, बाणभट्ट, चरक या चाणक्य। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर्षचरित किसने लिखा है, बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद का एक नेता कौन था, यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय इलाहाबाद का नेतृत्व कौन कर रहा था, मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, खान अब बहादुर खान, रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली, क्योंकि तात्या टोपे कहाँ थे, ये कानपुर में थे। ये कानपुर में थे, और रानी लक्ष्मीबाई ये कहाँ थी, झांसी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, 1856, 1858, 1859, 1862। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1856। और उस टाइम कौन सा वो जनरल था, लॉर्ड डलहौजी, सॉरी लॉर्ड कैनिंग। 1856 में जब ये पारित किया गया था तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग आ गया था, लॉर्ड कैनिंग। और किसके प्रयासों से हुआ था ये, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, नाम बता चुका हूँ ये मैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों को उनके गठन वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गदर पार्टी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो अगर बात करते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1913 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये कब हुई थी, 1905 में। और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी हुई, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। तो 213 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक यूरोपीय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कौन था। तो एक यूरोपीय की अध्यक्षता में, मतलब जब पहला अंग्रेज, 1885 बम्बई, 1896 कलकत्ता, 1888 इलाहाबाद, 1887 मद्रास सत्र। तो एक यूरोपीय की अध्यक्षता, मतलब पहली अध्यक्षता अंग्रेज के द्वारा कब की गई थी, 1888 इलाहाबाद सत्र। और किया किसने था, जॉर्ज यूले। नाम पूछा जाता है, जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक किस बैठक सत्र में आयोजित की गई। भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए, फैजपुरी, कलकत्ता, बॉम्बे या त्रिपुरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था, 1942 में, और वो बैठक कहाँ हुई थी, बॉम्बे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन, जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। चीन, मंगोलिया, यमन या इराक। तो टकला मकान कहाँ पर स्थित है, चीन में, और इम्पॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म या आइसोहेलाइन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोहाइट। आइसोबार किसे कहते हैं, एक समान वायुमंडलीय दाब को जो रेखा मिलाती है, एक समान वायुमंडलीय दाब को। आइसोथर्म क्या होता है, एक समान ताप को मिलाने वाली, एक समान ताप। और आइसोहेलाइन क्या होता है, एक समान लवणता। ये किसकी बात करता है, एक समान लवणता। अगर जहाँ जहाँ जिन प्लेसेस की क्या है, लवणता सेम होगी, अगर उनको कोई रेखा मिलाएगी तो उनको क्या बोलेंगे, आइसोहेलाइन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शंस क्या है, ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या मकर रेखा। तो 180 डिग्री देशांतर को पूछा जा रहा है, तो 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो हज़ार ग्यारह की जनगणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ये एकदम सही है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की थी, लक्षद्वीप की। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो जो था वो यहाँ भारत में अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, ये भी सही लिखा है। लास्ट ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप, ये भी करेक्ट लिखा है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार है। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है, भारत सरकार। ऑप्शन नंबर
फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और सिक्का अधिनियम मैंने बताया था कब आया था, 1906। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती या राउरकेला। तो जो भारत में पहला स्टील प्लांट लगाया गया था वो कहाँ हुआ था, जमशेदपुर। और कब स्थापना हुई थी, 1907। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी, 1907 में। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, समावेशी विकास और गरीबी का न्यूनन, समावेशी और सतत विकास, बेरोजगारी को कम करने के लिए सतत और समावेशी विकास, तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मत्स्य पालन गतिविधि का एक उदाहरण है, ऑप्शन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो मत्स्य पालन क्या हो जाएगा, प्राथमिक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो सीधे पर्यावरण या प्राकृतिक तौर से निर्भर होती हैं उनको क्या कहेंगे, प्राथमिक। अगला क्वेश्चन, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, मध्यवर्तियों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, भूमि जोत पर अधिकतम सीमा अधिरोपण या उपरोक्त सभी। तो जो भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया था, तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। मध्यवर्तियों की समाप्ति हो, काश्तकारी सुधार आए और जो भूमि जोत पर अधिकतम सीमा है उसको अधिरोपण किया जा सके। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 24 खतरनाक नौकरियों में से कम आयु के बच्चों पर रोक लगाता है। ऑप्शंस क्या है, 18 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष। तो जो आर्टिकल 24 है उसमें जो बच्चे हैं वो कैसी खतरनाक नौकरियां नहीं कर सकते हैं, तो किस एज ग्रुप के बच्चे आएंगे, तो 14 वर्ष से कम के बच्चे उसमें काम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक प्रणाली में अदालतों का एक पदानुक्रम शामिल है जिसमें सबसे ऊपर क्या है, उच्चतम न्यायालय, ग्राम पंचायत, उच्च न्यायालय, जिला अदालत। तो अपने यहाँ सबसे उच्चतम क्या है, सबसे जो ऊंचे पद पर है उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि क्या है पूरे भारत में एक है, ठीक है, क्योंकि अपने वहाँ एक हरी न्याय प्रणाली भी है। ऐसा नहीं है कि कोई मामला है अगर उसको स्टेट नहीं देख पा रहा है तो फिर कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी, 42वां और 43वां संविधान संशोधन, 86वां और 86 और 87वां संशोधन, 63वां और 64वां संशोधन अधिनियम, 73वां और 74वां। तो पंचायती राज संस्थाएं किसके द्वारा आई थी, 73वें और 74वें, और दोनों कब आए थे, 1992-93 में। अगला क्वेश्चन, कौन गैर सदस्य है जो लोकसभा की चर्चा में भाग ले सकता है, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। लेकिन और ये किस आर्टिकल में बताए गए हैं, 76 में, आर्टिकल 76 में है। लेकिन ये इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, जब वोटिंग होती है संसद में तो ये वोट नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सूची। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और इस समय अगर संघ सूची में कितने विषय हैं, 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। अगला क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है, माइक्रोन में बताना है, 10^-4, 10^-6, 10^-10, 10^-2। तो एक एंगस्ट्रम में कितने माइक्रोन होते हैं, 10^-4। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायु का उदाहरण है अणुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ या प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अणुचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 7 के बराबर या 7 से अधिक। तो अम्लीय वर्षा अम्लीय होती है तो 7 के बराबर या 7 से अधिक तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन है कीटभक्षी पौधा है, अमरवेल, पिचर पौधा, चीनी चीन गुलाब या गुलाब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कीटभक्षी पौधा कौन है, पिचर पौधा, यानी ऑप्शन नंबर टू, इसे बोलते हैं पिचर प्लांट। अगला क्वेश्चन, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, पोलियो, प्लेग, हैजा, आंत्रजर। तो यहाँ पर विषाणु यानी वायरस के कारण कौन सा होता है, इनमें से पोलियो होता है, पोलियो वायरस से होता है, बाकी प्लेग, हैजा, आंत्रजर ये सब किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। अगला क्वेश्चन, जंगल का पर्यायवाची है, ऑप्शंस क्या हैं, प्रमोद, विश्रांति, कांतार या दिव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जंगल का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा, कांतार, यानी ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट हो जाएगा। प्रमोद का मतलब होता है आनंद, खुशी, उल्लास, और विश्रांति का मतलब होता है विश्राम या आराम, और दिव का मतलब तो दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विस्तृत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, विस्तृत, विलोम बताना है, विस्तार, निस्तार, संक्षिप्त या संक्षिप्त। विस्तृत का मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, संक्षिप्त, ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपत या चपत और चंपत श्रुति समभिन्नार्थक, मतलब इन दोनों के अर्थ क्या होंगे। तो यहाँ पर चपत और चंपत, तो क्या कहते हैं कि वो अभी एक चपत लगा देंगे तुम्हारे, चपत का मतलब क्या होता है, मारना, थप्पड़ मारना, ठीक है, एक चपात पड़ जाएगी, और चंपत का मतलब बिल्कुल चंपत हो गए, चंपत होने मतलब भाग जाना, गायब हो जाना। तो ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, हकीकत, हड़कंप, हुंकार या हक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, हकीकत, ये बात हकीकत में सच है। हड़कंप, हड़कंप क्या बोलते हैं कि हड़कंप मच गया, हड़कंप मच गई नहीं बोला जाता है, हुंकार भरी जाती है, ठीक है, और हक दिया जाता है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, हकीकत। अगला क्वेश्चन, हुंकार जो है ये अपवाद में आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बनता शब्द वाक्य क्या बनता है, हुंकार भरी गई या हुंकार भरी जाती है, लेकिन ये है क्या, पुल्लिंग है, क्योंकि ये अपवाद में है। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत्याग्रह का मैंने बोला था, जब भी संधि विच्छेद आए तो आप अपनी तरफ से कर लेना, ऑप्शन बाद में मैच करना। तो सत्याग्रह क्या हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह, क्योंकि आप पहले बना लेंगे तो जिस ऑप्शन मैच हो जाएगा वही करेक्ट हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ही ऑप्शन देखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, गोल, बैट, विकेट, स्टंप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अन्य से भिन्न कौन हो जाएगा, बैट, विकेट, स्टंप, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड नहीं, गोल फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है तो राम का मोहन से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखते हैं, ट्री बनाएंगे, यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है, मोहन है यहाँ पर, इनका कोई पुत्र है, तो ये हो जाएगा सन, ठीक है, मोहन के पुत्र का भाई, राम मोहन के पुत्र, मोहन के पुत्र का भाई, इनका भाई है कौन, राम। तो राम का मोहन से क्या संबंध है, तो सिंपल सी चीज़ है, क्या कौन संबंध हो जाएगा, राम का मोहन संबंध बेटा, ऑप्शन नंबर टू, क्योंकि राम का संबंध पूछा गया है, तो मोहन क्या है, इनके पिता है, तो राम का संबंध क्या हो जाएगा, बेटा। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी था, 1 जनवरी 2012 को वेंकट के जन्मदिन के दिन रविवार था, उसका अगला जन्मदिन किस दिन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 1 जनवरी, इसका जन्मदिन कब है, 01 जनवरी 2012, तो अगला बर्थडे इसका कब आएगा, 1 जनवरी 2013, यानी मुझे इस दिन पता है कौन सा डे है, संडे है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी कैलेंडर क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑड डेज। तो यहाँ पर 2012 क्या है, एक लीप ईयर है, लीप ईयर इन टोटल ऑड डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 360, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35,
कितना बचा? दो, और सात्विक एक, 7 × 2 = 14, तो रिमाइंडर कितना आया? दो। तो विषम दिन कितने हो जाएंगे? दो, यानी नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? दो। तो दिन कौन सा था? संडे। संडे प्लस टू कितना हो जाएगा? संडे प्लस टू, मंडे ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए, कलम, लिखना, झाड़ू। तो यहाँ पर कलम का क्या काम है? लिखना। तो झाड़ू का क्या काम करता है? माप, घर, सफाई या धुलाई। तो झाड़ू से क्या करते हैं? सफाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थ्री। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित भाषा में हरिद्वार को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में तो कूट करना है यहाँ पर। तो पहले देखते हैं, एच ए आर आई डी डब्ल्यू ए आर, इसको क्या लिखा गया है? एफ सी पी के बी वाई वाई टी। तो यहाँ पर एफ जी एच यानी माइनस टू हो रहा है, फिर ए बी सी प्लस टू हो रहा है, फिर पी क्यू आर माइनस टू, फिर आई जे के प्लस टू, यानी माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू, ये चल रहा है। तो इसको देखते हैं, बीकानेर, बीकानेर। तो यहाँ पर जब बी में माइनस टू करेंगे तो किस पे पहुँचेगा? जेड पे। आई में प्लस टू करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? के पे। तो जेड और के कहाँ पर आ रहा है? पहले एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, जेड के आई सी एल जी पी। ठीक है, माइनस टू प्लस टू का पैटर्न चल रहा है। अगला क्वेश्चन, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2022 में शुरू हुई है? असम के, असम होते हुए त्रिपुरा को जोड़ने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2022 में कहाँ से शुरू हुई है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या मणिपुर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर से शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर फोर। अगला क्वेश्चन, आईसीसी 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीसी 2025 महिला ओडीआई कौन करेगा? भारत, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर, विक्रांत मेसी, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या पंकज त्रिपाठी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, कौन सा अरब देश 31 मई 2022 को इसराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया? यूएई, बहरीन, जॉर्डन या लेबनान? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं अभी? संयुक्त अरब अमीरात, यूए। अगला क्वेश्चन, 10 फरवरी 2022 को जारी किए गए ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र सूचकांक में नंबर एक पर कौन रहा है? नॉर्वे, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको सूचकांकों की श्रेणी में नंबर एक दो तीन पर रहने वाले स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, इन्हीं में से सब नंबर एक दो तीन पर रहते हैं, तो नंबर एक के पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगला क्वेश्चन, चौसठवें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 में किस गीत ने बेस्ट म्यूजिक वीडियो का पुरस्कार जीता? ऑप्शन क्या है? किस मी मोर, मेकिंग अ फायर, फ्रीडम या स्टार्टिंग ओवर? तो 64वां जो वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार हुआ है, ग्रैमी पुरस्कार किसमें? म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। बेस्ट म्यूजिक वीडियो का पुरस्कार किसने मिला है? फ्रीडम सॉन्ग को, ऑप्शन नंबर थ्री। अगला क्वेश्चन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार या झारखंड? तो पुरानी पेंशन योजना को किसने बहाल किया है? सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? भूपेश बघेल की। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के जेल विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना शुरू की है?
ऑप्शंस गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नितिन गडकरी। तो क्या पूछा गया? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन, तो इसमें किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ऑप्शन नंबर वन। एक मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? जगदीप धनखड़, नलिन नेगी, आशीष कुमार चौहान, रामा सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर जो अभी 14वें उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं ये कौन है? जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले क्या थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त। तो हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? बम कब डाले गए थे? 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, हेग या वियना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेवर त्यौहार मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम या उड़ीसा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवकलेवर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, ब्राज़ील या अर्जेंटीना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेसो किसकी मुद्रा है? अर्जेंटीना की, ऑप्शन नंबर फोर, अर्जेंटीना की। और इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनर्स आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनर्स आयर्स। अच्छा, मलेशिया की राजधानी क्या है? मैं बता चुका हूँ, कुआला लामपुर। ब्राज़ील की क्या है? ब्राज़ीलिया है। और दक्षिण अफ्रीका की क्या है? प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया, मलेशिया कुआला लामपुर, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। अगला क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। ये भी क्वेश्चन हो चुका है पिछले सेट्स में। तो राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोबारा वही क्वेश्चन आ गया है, तो यहां पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिमा पुरी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहली महिला कौन थी जिसको भारत रत्न मिला था? इंदिरा गांधी को, खुद अपनी सरकार में इन्होंने लिया था। अगला क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस बर्दवान, कोयम्बटूर, चेन्नई, लखनऊ। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और अगर यहीं पर ये पूछ ले गन्ना प्रजनन संस्थान, तो ये कोयम्बटूर में है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। गन्ना प्रजनन संस्थान। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, गोल, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा किस नाम से है? गोल नाम से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? अलाई दरवाज़ा, रानी की वाव, हुमायूं का मकबरा, बीवी का मकबरा। तो यहाँ पर गुजरात में कौन सा स्थित है? रानी की वाव, और कहाँ पर है? गुजरात पाटन, गुजरात पाटन में स्थित है। अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है, क्योंकि ये कुतुब मीनार परिसर में बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा की कहाँ है? दिल्ली।
और बीबी का मकबरा महाराष्ट्र औरंगाबाद, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके जितने भी सेशन पीछे हो चुके हैं टेक्स्ट बुक या अदर पब्लिकेशन के, अगर उनको आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लें, क्योंकि अब एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचा है। और लास्ट टाइम अपनी तैयारी को धीमा मत करें, स्लो मत करें। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।